हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। सनातन धर्म को लेकर छिड़े विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार कुछ कहा है। सूत्रों की माने तो पीएम ने अपने कैबिनेट मंत्रियों से कहा है कि सनातन पर पूरी तथ्यों के साथ और तर्क के साथ जवाब दें। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बयान पर मचे सियासी एमके स्टालिन के बेटे के बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश से सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या सनातन पर हो रही राजनीति 2024 का एजेंडा बनने जा रही है। திருப்பும் சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன், சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன், அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமா ரொம்ப குழந்தைத்தனமா வந்து நான் வந்து ஜெனோசைடெலாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அப்படி என்ன இந்த திமுக காரங்கெல்லாம் வந்து கொலை செய்யப்படுவாங்க. तमिल में दिया गया उदयनिधि स्टालिन का यही वो बयान है जिसने सियासत में तूफान मचा रखा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के खिलाफ जो बयान दिया था उसमें उन्होंने सनातन पर बेहद आपत्तिजनक बातें कही थी। सनातन को लेकर कहा था कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है, इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उदयनिधि स्टालिन के दिए विवादास्पद बयान के बाद राजनीति चरम पर है। इस मामले पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर सही तरीके से जवाब देना चाहिए। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश जारी किया है। पीएम ने कहा है कि सभी मंत्री सनातन पर तथ्यों के साथ सोच समझ कर विरोधियों को जवाब दें। अब प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद सियासत तेज हो गई है। सनातन पर सियासत करना बीजेपी को अब महंगा पड़ रहा है और बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया है। इस सनातन पर ज्ञान देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर है। अब तो बताना होगा कि आज जो लोग गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई का बात छोड़ करके ये धर्म पर ज्ञान दे रहे थे, ये सबको अच्छी तरह से हकीकत पता है। प्रधानमंत्री और भाजपा के अन्य नेता सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर जहल की खेती कर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। उनके मुद्दे में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान छोड़कर अन्य विकास के कोई मुद्दे नहीं रहते। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म का अपमान कर विपक्ष फंस चुका है, विपक्ष की बेचैनी साफ दिख रही है। सनातन का अपमान कर विपक्ष जानबूझकर विवाद खड़े कर रहा है जिसका डटकर जवाब देने की तैयारी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सनातन पर हो रही राजनीति 2024 का एजेंडा बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासत में एजेंडा सेट करने की कोशिश भी जारी है। भारत और इंडिया को लेकर चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी विरोधियों पर हमलावर है तो महागठबंधन के नेता बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। आखिर देश के नाम को लेकर क्यों नेताओं के बीच जारी है जुबानी जंग, देखिए रिपोर्ट। इंडिया और भारत नाम पर चल रहे विवाद को लेकर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। पार्टी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि लोग बेवजह आपत्ति जता रहे हैं। इंडिया माता की जय नहीं, भारत माता की जय होता है। अगर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी में हिम्मत है तो इंडिया माता की जय कहकर दिखाएं। अगर 75 साल तक भारत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इंडिया का प्रयोग हुआ, तो अगर भारत सरकार भारत का प्रयोग करे उसमें क्या आपत्ति है? हम भारत माता की जय बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी इंडिया माता की जय बोलकर दिखाएं। तो इंडिया माता की जय तो नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। वही बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि ललन सिंह और नीतीश कुमार ने भी अपना नाम बदला है। ललन जी ने अपना नाम बदला था, 2000 में राजीव रंजन सिंह थे और 2009 के चुनाव में राजीव रंजन सिंह ललन सिंह हो गए, तो उन्होंने नाम बदला था। हमारे तो बड़े भाई हैं, तो हम लोग तो उन्हीं के अनुकरण को करते हैं। दूसरा कि नीतीश जी का नाम तो किसी ने बदला नहीं, उनके बड़े भाई ने कहा पलटू कुमार है। देश के नाम को लेकर छिड़ी बहस के बीच, तेज हुई सियासी बयानबाजी के बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को भारत नाम से आपत्ति नहीं पर इंडिया नाम को हटाए जाने से है।
नहीं, हमें भारत नाम पर ऐतराज नहीं है, लेकिन इंडिया को एक्सक्लूड करने पर ऐतराज है। ये संविधान के प्रिम्बल में उल्लेख है इसका, इंडिया दैट इज भारत, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेताओं ने नहीं दिया है। पंडित कमलापति त्रिपाठी से लेकर के हरि विष्णु कामत तक जो बड़े बड़े लोग उस जमाने में थे, सेठ गोविंद दास जी, उन सब लोगों ने मिलकर के कहा रहने दीजिए इसको, इंडिया दैट इज भारत, राज्यों के संघों का समूह। देश के नाम को लेकर भारत और इंडिया शब्द से परहेज करने की अपील खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से की है। ऐसे में नेताओं की अपने अपने तर्क और कुतर्कों से सियासत से ज्यादा अपने अपने एजेंडे ही नेता सामने रख रहे हैं, जिससे कोई फायदा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पीएम मोदी ने पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू moneycontrol.com को दिया है। G20 से पहले यह सबसे बड़ा इंटरव्यू है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए देश में कई कदम उठाए गए हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और वैश्विक गतिशीलता के बावजूद भी भारत की मुद्रास्फीति 2022 में वैश्विक औसत मुद्रास्फीति दर से 2% अंक कम रही। फिर भी हम इतने पर ही आराम नहीं कर रहे हैं और जीवन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन समर्थक निर्णय लेना जारी रख रहे हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में रक्षाबंधन पर कैसे सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतें कम कर दी थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बातचीत की। मोदी कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के तहत 2017 के तहत कई करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं और इस फैसले में उनकी ये बात झलकती भी है। मैक्सिमम जैसे मैं हिमाचल से आता हूं तो हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा यूपीए की सरकार में खत्म कर दिया गया था। उन्होंने विशेष राज्य का दर्जे का भी उस समय दिया, लेकिन 2017 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम आईडीएस 2017 लेकर आए, जहां हिमाचल उत्तराखंड को उसका लाभ मिला और इसके अंतर्गत प्लांट एंड मशीनरी जो नए यूनिट लगाएगा उसको प्लांट एंड मशीनरी पर 30% की सब्सिडी मिलेगी और 5 करोड़ रुपए कैप थी एक यूनिट के ऊपर कि 5 करोड़ तक की उसको सब्सिडी मिलेगी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2017 से 2022 तक 31 मार्च तक, लेकिन लोकप्रियता इतनी हुई इस योजना की और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बहुत सारे औद्योगिक यूनिट भी आए, कुल मिलाकर लगभग 774 यूनिट उस समय सीमा के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा पाए, 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश इसमें हुआ और 49,000 के लगभग इसमें रोजगार प्रत्यक्ष रूपे मिल पाए, सृजन हुए। अब इस योजना के अंतर्गत इनको 1153 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलना चाहिए था, लेकिन योजना में पहले 131 करोड़ का ही प्रावधान था, तो आज अनुमोदन किया गया है 1164.53 करोड़ का, 1164.53 करोड़ रुपीज हैव बीन सैंक्शन फॉर दिस स्कीम। अब इसमें 1153 करोड़ जाएगा जो इंडस्ट्री वालों का बनता है उसको, और 1153 करोड़ जाएगा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे उसके रूप में। ये दो तो मैं दोनों पहाड़ी राज्यों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करता हूं कि जो इंडस्ट्री यूनिट्स ने वहां पर रोजगार के अवसर दिए, आपने उनको जो कहा था वो उनको सब्सिडी के रूप में उपलब्ध भी करवाया है। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां जारी है। मेहमानों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, दिल्ली की शानदार सजावट भी की गई। देखिए इस रिपोर्ट। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों को सजाया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनेक वैश्विक संगठन से जुड़े डेलीगेट्स दिल्ली आएंगे।
ऐसे में कूटनीति का महाकुंभ माने जाने वाले G20 समिट के लिए दिल्ली दरबार को सजाया जा रहा है। दिल्ली में मेहमानों की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। गाड़ियों के आवागमन को लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली का सुरक्षा कवच अभेद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। G20 सम्मेलन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट को भी पूरी तरह से सजा दिया गया है। चारों तरफ लाइटिंग से सुप्रीम कोर्ट को सजाने का पूरा प्रयास किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पूरे परिसर की सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने अब अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई सेंसिटिव जोन सुप्रीम कोर्ट के आसपास का ही इलाका है। जितने भी चैम्बर्स हैं उनको फिलहाल अब बंद कर दिया जाएगा। G20 के मद्देनजर भारत ने तमाम वो तैयारियां कर ली हैं, लेकिन उन तैयारियों में देश की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसको भी बहुत ज्यादा सजाया गया है, क्योंकि G20 का सम्मेलन जिस जगह पर हो रहा है, यानी कि प्रगति मैदान जो जगह है, वहां के बाद सुप्रीम कोर्ट सबसे पास का फिलहाल लोकेशन है। आप देखिए किस तरह सुप्रीम कोर्ट में पूरे और लाइटिंग लगा दी गई है, और ये लाइटिंग रात में बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली है, क्योंकि आज रात से इस पूरे प्राइमिसेस को दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी अपने अंडर में ले लेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि 8, 9 और 10 ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रगति मैदान से सटा हुआ सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा परिसर है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट एक हाई सिक्योरिटी जोन के अंतर्गत आता है। न केवल यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ चाक चौबंद कर दी गई हैं, बल्कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे जो यहाँ के प्रेमिसेस हैं, पूरी जो ऑफिसेस हैं, वकीलों के जो चैम्बर हैं, उनको फिलहाल बंद किया जाएगा, क्योंकि 3 दिन तक जो सम्मेलन होने वाला है वो सम्मेलन सुरक्षा की दृष्टि से, भारत की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी को उनके अंडर में लिया गया है, लेकिन पूरे परिसर सुप्रीम कोर्ट को सजा दिया गया है, और ये भारत के गर्व की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं G20 सम्मेलन भारत के उस ताकत को, भारत की संप्रभुता को दिखाएगा, जहां पर भारत के इतिहास से जोड़कर सरकार ने वो तमाम तैयारियां की हैं जिससे भारत की झलक विश्व के पटल पर नजर आए। और वजह यही है कि पूरे सुप्रीम कोर्ट, और न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, इन तमाम परिसर को सजाया गया है, ताकि अगर इस पूरे मामले में सुंदरता की बात की जाए तो भारत का वर्चस्व विश्व के पटल पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूती से दिखे। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से यह तैयारी बहुत सजग और बहुत सुदृढ़ तरीके से की गई है, चूँकि कहीं ना कहीं जो प्रगति मैदान है वहाँ से सुप्रीम कोर्ट बहुत पास है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। पूरी चारों तरफ लाइटिंग लगाई गई है, और रात में ये सुंदरता और भी देखने लायक बेहतर होगी। सुशील पांडे, न्यूज 18, दिल्ली। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने आ रहे हैं। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि शी जिनपिंग इस हाई प्रोफाइल वैश्विक कार्यक्रम की मेजबानी में भारत का समर्थन करते हैं और इसे सफल बनाने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि चीन ने सोमवार को घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री ली क्यांग 9 और 10 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उन्होंने बैठक की। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने को लेकर बनी कमेटी के चेयरमैन रामनाथ कोविंद, साथ ही इस समिति के सदस्य अमित शाह भी हैं। कोविंद और अमित शाह की मुलाकात के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। संसद के विशेष सत्र पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की चिट्ठी का सरकार ने जवाब दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपका परंपराओं की तरफ ध्यान नहीं है। सत्र शुरू होने से पहले बातचीत की जाएगी। बता दें कि संसद का विशेष सत्र
18 से 22 सितंबर तक चलेगा, जिसमें पेश करने के लिए सोनिया गांधी ने 9 मुद्दों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि मेरी शुभकामनाएं पार्टी के साथ हैं, लेकिन उन्हें सभी समुदायों को एकजुट करना चाहिए। चंद्र कुमार बोस ने इस्तीफे पर कहा कि 2016 में बीजेपी में योगदान दिया था, पीएम मोदी के नेतृत्व में मुझे अच्छा लगा, बीजेपी में शामिल होने के बाद लगा कि ये जो राजनीति करते हैं वो मेरे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आदर्श सब धर्म को एक साथ करने के मुताबिक नहीं है। उन्होंने सांप्रदायिक और विभाजन की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फिलहाल इसी के साथ टॉप एट 10 में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटें। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई, याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष, केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवर ग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद, जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान, ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन, ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट, खेलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड, पहुंच को बढ़ा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार प्रयास कर रही है, अधिकारी भी जुटे हैं, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आए दिन जारी फरमानों पर शिक्षकों से लेकर सियासतदान भी परेशान है। आखिर क्यों के पाठक के फैसले से परेशानी होती है, देखिए रिपोर्ट। बिहार के स्कूलों में अवकाश कटौती के आदेश को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अवकाश में संशोधन किया जा सकता है और छात्रों को 220 दिन क्लास करना ही होगा। शिक्षा विभाग के ECS के पाठक के इस फरमान से शिक्षकों में नाराजगी है। वो जो प्रेस नोट है, उस प्रेस नोट में शैक्षणिक सत्र को अप्रैल से जनवरी माह तक ही दिखाया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र अप्रैल से लेकर के मार्च माह तक क्या होता है। 253 दिनों के विद्यालय की कार्य अवधि जब पहले से ही चल रही है, तो फिर बार बार यह कहना कि RTE के तहत जो है विद्यालय पूरा नहीं चल पा रहा है, मैं समझता हूँ शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए और लोगों के लिए कर्म प्रिय लगे इसलिए इस प्रकार की बातें की जा रही है। शिक्षक भले ही इस पर ऐतराज जता रहे हो, लेकिन शिक्षा विभाग के फैसले से छात्रों के अभिभावक खुश हैं। लेकिन यहाँ तो सरकारी स्कूलों में बहुत ज्यादा छुट्टियाँ मिलती है, बच्चों को कभी गर्मी की छुट्टी तो कभी शीतलहरी की छुट्टी, वो जरूरी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा है कि शिक्षकों को कभी चुनाव में लगा दिया जाता है तो कभी जाति जनगणना में लगा दिया जाता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सरकारी सर्वे में उनको उन लोगों को लगाया जाता है। तो सरकार इन सब चीज़ों के लिए अलग से कोई व्यवस्था करे और टीचर को सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, और 220 दिन अगर पढ़ाया जाए बच्चों को तो बच्चों को भविष्य के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, तो वहीं विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी आए दिन नए नए फरमान जारी करते रहते हैं, जिससे लेकर सियासत भी तेज होती रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। JDU नेताओं की एक और बड़ी बैठक 11 और 12 सितंबर को बिहार के पटना में होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वैसे तो नेताओं को पहुंचने का निर्देश दिया गया है, पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बैठकों के दौर से सियासी कयासबाजी तेज हो गई। समय से पहले लोकसभा चुनाव की आशंका के बीच बिहार में सियासी हलचल तेज है। सियासी दौर के बीच JDU सबसे आगे है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार 11 और 12 सितंबर के बीच 2 दिन तक पार्टी संगठन के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जो काफी अहम मानी जा रही है।
नीतीश कुमार ने आशंका जाहिर की है कि लोकसभा चुनाव समय के पहले हो सकता है। उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल बेहद तेज है और तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई है। चुनाव कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता, लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान के बाद जेडीयू में हलचल काफी तेज देखी जा रही है और पूरे बिहार में जमीनी स्तर पर जेडीयू की मजबूती क्या है, कमजोरी क्या है, ये अपने नेताओं की जुबानी जानना चाहती है। और इसीलिए मुख्यमंत्री के साथ दो दिनों की इस महत्वपूर्ण बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस दौरान तमाम फीडबैक लेंगे कि पूरे बिहार में जेडीयू की स्थिति क्या है। हालांकि बैठक को लेकर जेडीयू में भी हलचल तेज है। जिला से सभी साथी जिला अध्यक्ष और जो हमारे प्रमंडल प्रभारी हैं उनके साथ 11 को बैठक है और उसके बाद 12 को जो है प्रखंड अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी उनके साथ बैठक है और उनके तमाम साथी से जो पार्टी के नेता हैं और पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे मिलेंगे और उनसे रूबरू होंगे। और जो आप देख रहे हैं कि जो हमारा संगठन है, संगठन की मजबूती और संगठन को धारदार बनाने के लिए चाहे अपनी जो टिप्स देंगे। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि संगठन के लोगों के साथ नीतीश जी पहले भी मिलते रहे हैं और इस बार बैठक होगी तो जमीनी स्तर की जानकारी मिल सकेगी। दल के साथियों से मिलने का जो सांगठनिक दायित्व होता है ये प्रदेश अध्यक्ष जी का अधिकार है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जो भी संगठन के लोग होंगे उसका नियत समय क्या होगा, नियत डेट क्या होगा, ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन लोकसभा चुनाव तो है, इंडिया गठबंधन भी है, तो स्वाभाविक है दल के कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित करना, वही हमारी पूंजी है। अब बैठक का मुद्दा चाहे जो भी हो, जेडीयू कई मुद्दों पर मंथन कर रही है। देश में एक चुनाव पर बहस तेज है तो भारत और इंडिया को लेकर भी चर्चाएं कम नहीं हो रही। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार कई अहम बिल भी इसी महीने 18 सितंबर से बुलाए गए 5 दिनों के विशेष सत्र में पास कराना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी होंगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कांगड़ा जिला स्थित आलमपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में शीश नवाया और प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, विधायक यादवेंद्र गोमा, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक के अध्यक्ष संजय चौहान, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह कपठानिया, कांग्रेस नेता संजय राणा, उपायुक्त डॉ निपुण जिंदल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हमीरपुर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सबका विकास और सबका साथ नारे को चरितार्थ करेगी और हिमाचल प्रदेश को रिलीफ देगी। हमीरपुर दौरे पे मुख्यमंत्री पहुंचे थे, 2 दिवसीय दौरा था हमीरपुर का, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गए थे। मुख्यमंत्री जी 2 दिन हमीरपुर में हैं आप, कितनी आपदा यहां पे आई और क्या राहत हुई? देखिए मैं आज नदौन, बड़सर, सुजानपुर, हमीरपुर के उस क्षेत्र में सब जगह देखा है। आपदा ने कोई एक जगह ऐसी नहीं है जो इसको छोड़ा होगा, सब जगह आपदा है। और भोरंज में भी सब इस सब प्रभावित इन सब प्रभावित परिवारों से जहाँ तक हो सका है मैंने मिलने की कोशिश की है और अब हमारा दायित्व ये बनता है कि जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको राहत पहुँचाई जाए। सर, केंद्र सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, कितना विकास हिमाचल के और साथ मिल रहा है आपदा में? ये आप आपदा में खुद जानते हैं और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपने इस नारे को चित्रित करेगी और हमें जल्दी से जल्दी रिलीफ देगी। सर, विपक्ष बार बार कह रहा है कि आंकड़े झूठ पेश कर रही है सरकार। हमने कोई आंकड़े पेश झूठ नहीं किए हैं, हमारे पास जो भी पैसा आया है उसमें 180 करोड़ रुपया जो है वो जुलाई की हमारी किस्त बनती है और दिसंबर की किस्त को उन्होंने एडवांस दे दिया है। 315 करोड़ रुपया जो हमारा 22-23 का क्लेम था जिसमें ओईजी ने ऑब्जेक्शन लगाया था उसका 189 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है और उसके अलावा 200 करोड़ रुपए की जो सहायता थी वो दिए, बाकी कुछ नहीं दिया। धन्यवाद सर। तो ये थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि आपदा में सिर्फ लोगों को राहत पहुंचाना है उनका परम कर्तव्य और इसके लिए वह डटे हुए हैं। हमीरपुर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी के साथ जसवीर कुमार।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला में जयसिंहपुर और सुलह विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के नेत्रू गांव में प्रभावित परिवारों से बातचीत भी की। नेत्रू गांव में भारी बारिश के कारण मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इन परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने देहरू और कोसरी गांव में पहाड़ी में दरार आने के कारण हुए नुकसान का जायजा भी लिया और जिला प्रशासन को प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित परिवारों के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय चौंद्रौड़ में डंगा ढहने से भी नुकसान हुए का जायजा लिया, इसकी मरम्मत के भी निर्देश दिए। उन्होंने इस विद्यालय को अगले शैक्षणिक सत्र से उच्च विद्यालय में तुरंत करने की भी घोषणा की है। वहीं सुलह विधानसभा क्षेत्र के बछवाई गांव के प्रभावितों के लिए सीएम ने 6 मरला भूमि आवंटन करने की भी घोषणा की है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लगातार देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें, हमारे साथ जुड़कर नमस्कार।